हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरठ में। और आज मैं आपको मेरठ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मेरठ RRTS के मेरठ वाले हिस्से पे, और खासकर इसका जो अंडरग्राउंड का हिस्सा होने वाला है, जी हाँ, टनल का जो पार्ट होने वाला है, वो 5.5 किलोमीटर लंबा पूरा टनल का हिस्सा है जो कि मेरठ में बनाया जा रहा है। वैसे मेरठ में पूरा जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है दिल्ली मेरठ RRTS का, वो है 21 किलोमीटर का हिस्सा मेरठ वाले पे। वैसे ये जो पूरा दिल्ली मेरठ RRTS है, ये है 82 किलोमीटर लंबी परियोजना जो कि स्टार्ट होती है दिल्ली के सराय कालेखा से और वो जाएगी मेरठ के मोदीपुरम तक। और इसमें 5.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है जो कि टनल का, जो कि अंडरग्राउंड हिस्सा होने वाला है मेरठ में, वही आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में आप जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसका एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा, यानी कि पिलर्स के ऊपर ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ये हो जाएगा, और यहाँ तक तो ये ज़मीन के अंदर रहने वाला है। और इस जगह पर उसी का काम किया जा रहा है, ज़मीन के अंदर का जो सेक्शन है टनल का जो हिस्सा है उसके ऊपर। तो इस तरफ राइट हैंड साइड में जो एलिवेटेड हिस्सा है उस पर जो अगला स्टेशन आपको मिलेगा वो है MES कॉलोनी। और जो ये स्टेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरठ कैंट जो है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन होने वाला है। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे जाएंगे तो आपको जो स्टेशन मिलने वाला है जो कि अंडरग्राउंड हिस्सा होने वाला है, और वो होने वाला है बेगमपुर। तो चलिए मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि इसी तरफ तो हमें टनल देखने को मिलेगा और आज टनल के अंदर पहली बार हम और आप चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अंदर क्या कुछ दिखता है और कैसा कुछ फील होता है। तो चलो चलते हैं भाई और दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है टनल का। वैसे मैं आपको बता दूँ 6 टनल इनको बनाने हैं, मतलब 3 अप के लिए बनाने हैं और 3 डाउन के लिए। इसमें से 4 जो टनल का हिस्सा है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। टोटल अगर बताऊं तो 11 किलोमीटर हो गया, 5.5 ईस्ट साइड, ठीक है। तो दोनों साइड को अगर आप ऐड करते हो तो 11 किलोमीटर का हिस्सा है जो कि टनल इनको बनाना है। तो इस टनल के काम का 70% जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है जी, टनल बनाने का। चलो अंदर चलते हैं, आप दिखाता हूँ। तो ये जो देख रहे हो एक लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको टर्नल दिखेगा, राइट हैंड साइड में भी। अभी हम चलने वाले हैं इसके अंदर क्योंकि ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। और ये जो राइट हैंड साइड वाला जो ये टर्नल देख रहे हो ना, इसका ब्रेक थ्रू 1-2 दिन पहले ही हुआ है। अब मैं आपको बता दूं ये जो टर्नल है ये ज़मीन से तकरीबन 60 फीट नीचे है जी, जहां पे मैं ऊपर खड़ा था ना अभी, वहां से 60 फीट नीचे है ये। और ये दोनों टनल वैसे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, बनकर तैयार हो चुके हैं। और इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है वो है एफकॉन। वैसे दिल्ली मेरठ RRTS बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना होने वाली है। दिल्ली से मेरठ तक की जो दूरी है 82 किलोमीटर का, उसको ये तय करेगा 60 मिनट से भी कम वक्त में जी। और इसका ट्रेन तो आपने देखा ही है, भाई ने आपको दिखाया था कि कैसा दिखता है इसका ट्रेन, और कमाल का इसका ट्रेन है। और वही ट्रेन आपको आने वाले कुछ सालों में इसके अंदर, यानी कि इस टनल के अंदर से गुजरती हुई नजर आएगी। और आज हम और आप इसी के अंदर चलने वाले हैं पहली बार। आज मुझे मौका मिला है किसी टनल के अंदर जाकर देखने का कि कैसा कुछ दिखता है और क्या कुछ काम किया जाता है ट्रैक डालने से लेकर ट्रैक डालने के बाद का। तो आज यही देखने वाले हैं। तो चलिए इस टनल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। और सच बताऊं तो मौसम बहुत ही कमाल का हो रहा है, इंद्रदेव भी प्रसन्न है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। लेकिन हमें और आपको इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है बरसात का, क्योंकि हम और आप तो टनल के अंदर चलने वाले हैं। और अच्छा भी है, मेरठ में बारिश हो रही है तो गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो चलो जल्दी से हम और आप अंदर चलते हैं टनल के, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। तो ये जो टनल आप देख रहे हैं ये 700 मीटर पूरा गहरा ये टनल है, और पहली बार ऐसा होगा कि हम और आप किसी टनल के अंदर ऐसे वॉक करके चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एक्चुअली में एक जो टनल होता है वो कैसा कुछ देखने को मिलता है। और सच बताऊं कमाल के इंजीनियरिंग का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो चलो हम और आप आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन का क्या कुछ काम किया जा रहा है, क्योंकि टनल तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। सो ये जितने देख रहे हो ना, ये प्री कास्टेड सेगमेंट है जिनको कि यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है TBM मशीन की मदद से। जब ये टनल बनाने के लिए यहाँ से जब मिट्टी निकालती है ना ज़मीन के अंदर से, तो उसी मशीन की मदद से यहाँ पर ये सेगमेंट्स भी लगा दिए जाते हैं। और इन सेगमेंटों को ना, ये जो बोल्ट देख रहे हो ना, इन हेवी बोल्टों की मदद से ना इसको इसमें फिक्स किया जाता है। और ये ऐसे पूरे स्ट्रक्चर में आपको ये देखेगा कि बहुत ही हेवी हेवी बड़े बड़े बोल्ट्स लगाए गए हैं जिनकी मदद से ना ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, फिक्स हो चुका है। जितने भी टनल बनाए जा रहे हैं ना दिल्ली मेरठ RRTS के अंतर्गत, उनमें सबसे छोटा यही होने वाला है 700 मीटर। अदरवाइज जितने भी टनल अगर आप देखेंगे तो वो इसके मुकाबले लंबे हैं जी, लेंथ में।
और आज इसी वाले में हम और आप चल रहे हैं जी। वैसे यहाँ से देखोगे ना तो क्या मस्त नज़ारा है यार, ये ऐसा लग रहा है एक शेप में सब कुछ बनाया है, मतलब कमाल है ये। वैसे मैं आपको बताऊं, जो आप टर्नल देखते हैं ना मेट्रो में, मेट्रो के मुकाबले ये जो टर्नल है ये बड़े है आकार में, 6.5 मीटर के हैं ये। और पहली बार अपने देश में इतना बड़ा टर्नल बनाया गया है किसी परियोजना के ऊपर, और वो आपको RRTS के ऊपर ही देखने को मिलता है। वैसे भी RRTS की परियोजना भी अपने देश में पहली बार बनाई जा रही है, जिसे कहते हैं दिल्ली मेरठ RRTS, क्योंकि इसका जो ट्रेन भी अगर आप देखेंगे तो मेट्रो के मुकाबले वो बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से टर्नल भी यहाँ पर बड़ा बनाया गया है। और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस टर्नल के अंदर, तो वो तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो अभी अगर यहाँ पर देखोगे ना तो अब ट्रैक डालने का काम जो है ना वो स्टार्ट करने वाली है टीम। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो जिस हिस्से पे यहाँ पर बोल्ट लगाए गए ना, तो अब यहाँ पर कंक्रीट के मसाले की मदद से ना इसको बंद कर दिया जा रहा है जी, क्योंकि अब यहाँ पर ट्रैक डालने का काम किया जाएगा इस वाले पर्टिकुलर हिस्से को जो आप देख रहे हो यहाँ पर। ट्रैक डालने से पहले ना इसके ऊपर फ्लोरिंग की जाती है ताकि ये जो सरफेस है ये एक बराबर हो सके। तो वही आपको यहाँ पर दिखेगा, कंक्रीट के मसाले की मदद से यहाँ पर फ्लोरिंग तैयार करी है। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ आना पड़ेगा इस जगह पर। ये तो देख रहे हो ना, ये मटेरियल है जिसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है ना, ये जो ट्रेन जब यहाँ से गुजरेगी ना तो उससे जो वाइब्रेशन होगा ना उसको ये ऑब्जर्व करेगा, मतलब मिनिमाइज़ करता है। उसी वजह से ये इंस्टॉल किया जाता है, और इसी के इंस्टॉलेशन का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसको कहते हैं मास स्प्रिंग सिस्टम, और ये इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पर कर रही है टीम। उसके बाद फिर इसके ऊपर फ्लोरिंग का काम किया जाता है, जिसके ऊपर ट्रैक डालने का काम किया जाएगा, और वही जब हम और आप आगे बढ़ेंगे ना तो देखने को मिलेगा। तो दिखाता हूँ आपको। तो ये मास स्प्रिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद ये आगे का काम है जो कि यहाँ पर कर रही है टीम। और ये सबसे पहले यहाँ पर सरिये का काम किया जा रहा है, उसके बाद सरिये का जाल बनाने के बाद ना फिर इसके ऊपर कंक्रीट का मसाला डालेंगे ताकि फ्लोर तैयार हो सके, और फिर इसके ऊपर ट्रैक इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, और वहीं इस जगह पर टीम आपको करती हुई नज़र भी आएगी। चलो और भी आगे आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ और कितना कुछ काम एक टर्नल के अंदर किया जाता है। और शायद आपने ये पहली बार देखा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जाते हैं एक टर्नल के अंदर ट्रैक डालने से पहले, क्योंकि नॉइस को भी इनको कंट्रोल करना है, स्पीड को भी मेंटेन करना है, तो उसके लिए फ्लोरिंग भी सॉलिड होनी चाहिए, स्ट्रक्चर भी पूरा सॉलिड होना चाहिए। बहुत सारा इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा इस RRTS की परियोजना में, पर ये तो बस शुरुआत है अभी। ये जो आपने देखा ना, ये वाइब्रेशन को नॉइस को कम करने वाला, ये तो बस शुरुआत है भाई। वैसे यहाँ पर देखोगे ना तो आगे जो टर्नल है ना वो हल्का सा कर्व हो रहा है। वैसे ये नज़ारा बहुत ही कमाल का नज़र आएगा जब यहाँ से RRTS की जब ट्रेन दौड़ेगी ना, वो अलग बात है कि हमें और आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, जो ट्रेन का पायलट होगा उसे देखने को मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए बहुत ही कमाल का नज़ारा हो, 100 किलोमीटर प्रति घंटे का इसका एवरेज स्पीड होने वाला है ट्रेन का। और जब यहाँ से टर्नल के अंदर से वो जब गुजरेगी, आप कल्पना कीजिए जब वो कर्व लेगा तो क्या कमाल का दृश्य होगा। वैसे मैं बता दूं, RRTS परियोजना के अंतर्गत आने वाली जितनी भी टर्नल है उनमें से सबसे पहले यही बनी थी। पिछले साल अक्टूबर में ये टर्नल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, रेडी हो गया था मतलब। वैसे ये वाला जो हिस्सा है, मेरठ वाला जो हिस्सा है दिल्ली मेरठ RRTS का, इसे स्टार्ट होना है 2025 में। लेकिन उसके मुकाबले अगर कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत ही तेज़ी के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम और आप अभी हैं 2023 के स्टार्टिंग में और स्टार्ट होना है 2025 में। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरठ वाला भी हिस्सा 2025 से पहले स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली मेरठ RRTS का ये जो काम यहाँ पर किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर मेरठ मेट्रो और साथ ही साथ RRTS की जो लाइन का काम है ये दोनों पैरेलल में हो रहा है जी। तो सिर्फ ऐसा मत सोचना कि सिर्फ मेरठ में RRTS का ही काम चल रहा है, मेट्रो का भी काम चल रहा है भाई, मेरठ मेट्रो का। तो अब ये जो देख रहे हो, अब हम निकलने वाले हैं बेगमपुर स्टेशन के पास, और ये जो लाइट का कलर देख रहे हो ना, जो बल्ब कलर का है, वहाँ से स्टेशन का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, और जहाँ तक ये LED का हिस्सा है ये टर्नल का पार्ट है। अब वैसे मैं बता दूँ, ये वाला जो स्टेशन होने वाला है, इसका जब ब्रेक थ्रू हुआ था ना इस वाले टर्नल का, तो मुझे याद है मैंने आपको इसका वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से ब्रेक थ्रू का जो पूरा काम है वो उस समय पर किया गया था। और इस वाले हिस्से पर भी जब आखिरी में अगर आप पहुँचोगे ना, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग का जो फ्लोरिंग का फेज़ है ना, सबसे पहला जो स्टेप करते हैं टर्नल को बनाने के बाद, वो इधर कर लिया गया है।
और इसके बाद फिर आपको यहाँ पर स्टेशन देखने को मिलेगा पूरा बेगमपुर का। और चलो स्टेशन में भी देखते हैं कि उस तरफ क्या कुछ काम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ना राइट हैंड साइड में एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, चलो दिखाता हूँ। सो ये जो हिस्सा देख रहे हो ये स्टेशन का हिस्सा होने वाला है भाई। और सच बताऊं ये स्टेशन जिस जगह पर मेरठ में बनाया गया है ना, ये मेरठ का सबसे घनी आबादी वाला एरिया है। और उस जगह पर ऐसा कुछ बनाना कमाल का है ये नज़ारा, सच बता रहा हूँ। और यहाँ पर वैसे कंस्ट्रक्शन का आपको बहुत सारा काम देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर फ्लोरिंग भी तैयार की जा रही है, इस जगह पर स्टेशन का जो हिस्सा होने वाला है उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। मतलब हर तरफ आपको टीम नजर आएगी यहाँ पर काम करती हुई। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और चीज़ नजर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे एक आपको TBM दिखेगा, टर्नल बोरिंग मशीन, जिसका ब्रेक थ्रू कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो मतलब ये पहला TBM मशीन है जो कि RRTS पे अपना काम को कंप्लीट कर चुका है और अब ये फ्री है भाई। इसके बाद ये कहीं भी जा सकता है अपने देश में और देश में कहीं भी जाकर कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है, क्योंकि ऐसी मशीनरियों की मदद से ही आप इतना कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो जो कि यहाँ पर किया जाता है। और आपको इंजीनियर्स का तो सबसे बड़ा हाथ होता है। ये इस वक्त पर TBM मशीन का जो नाम रखा गया है इसे सुदर्शन कहते हैं, और सुदर्शन आपको इस वक्त पर दिख भी जाएगा। बड़ा कमाल का दृश्य है, एक तरफ आपको TBM मशीन दिखेगा, दूसरी तरफ आपको दिखेगा कि पूरा टर्नल बनकर तैयार हो चुका है। सच में ये कमाल का नज़ारा है, और ये नज़ारा आपको नए भारत की नई तस्वीर दिखाता है, और ये नज़ारा न्यू इंडिया का नज़ारा है दोस्तों। दिल खुश हो जाता है जब ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम आप देखते हो तो, क्योंकि यह हमारे आपके कल्पना से परे है। आप सोचिए जिस मेरठ तक पहुँचने के लिए लोगों को दिन लग जाया करता था, उस मेरठ में ये कह रहे हैं कि दिल्ली से मेरठ हम आपको 60 मिनट में पहुँचा देंगे। आपको मैंने इसका ट्रेन तो दिखाया था कि ट्रेन में कितनी सारी सुविधाएं होने वाली है, और जब इसका स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा ना तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सारी सुविधाएं NCRTC हमें और आपको देने वाली आने वाले वक्त में। और इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो पूरी तरीके से बदलने वाले है NCRTC। तो चलिए ये था अपडेट दिल्ली मेरठ RRTS के सबसे पहले बने इस टर्नल का, जी हाँ, और स्टेशन का भी जो कि बेगमपुर का होने वाला है। इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और सच बताऊँ ये मेरा बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है, पहली बार मैं किसी टर्नल के अंदर आया हूँ और आपको दिखाया है कि किस तरीके से काम किया जाता है एक टर्नल का, और किस तरीके से काम किया जाता है देश को बनाने का। चलिए सच बताऊं तो ये जो सिविल इंजीनियर्स है ना, ये भी कमाल की चीज़ है भाई। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता ना वहाँ पे बहुत कुछ बना देते हैं, और जो लोग मेरठ से हैं या जो लोग बेगमपुर और उसके आसपास रहते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ऐसी जगह पे इतनी कमाल की चीज़ बनाना, ये कमाल ही है सच में, और ये सोच से परे है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, और आप तब तक ये ड्रोन शॉट देखिए।
Thank you.